हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ घूमने सफदरजंग की टॉम्ब। बाकी की जानकारी मैं वहाँ पे दूंगा आपको। और ये भी मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं अकेला नहीं जा रहा, आज मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। सो गाइस, मिलते हैं फिर वहाँ पे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ सफदरजंग की टॉम में। सफदरजंग की टॉम के बाहर ही खड़ा हुआ है, हम दोनों बाहर ही खड़े हुए हैं। गाइस, आप देख सकते हैं पीछे सफदरजंग की टॉम है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन लोगे तो आपको 25 रुपये पड़ेगी, सॉरी ऑनलाइन लोगे तो आपको 20 रुपये पड़ेगी, अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो 25 रुपये पड़ेगी। तो हम ऑफलाइन लेने जा रहे हैं, 25 रुपये की हमें टिकट पड़ेगी, हम ऑफलाइन लेने जा रहे हैं। सो गाइस, सफदरजंग टॉम का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबा। सो गाइज, ये हमें टिकट मिल चुकी है, 25 रुपये की टिकट मिल चुकी है। गाइज, आप देख सकते हो ये टिकट है हमारी। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ सफदरजंग की टॉम में। गाइज, आप देख सकते हो हम लोग एंट्री कर चुके हैं। मेरे पीछे ये सफदरजंग की टॉम, गाइज आप देख सकते हो ये रहा सफदरजंग की टॉम, मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है। मेरे पीछे ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा आपको ताजमहल जैसा दिखेगा, लेकिन ताजमहल सफ़ेद है, ये लाल है। ये सफदरजंग टॉम की मैं अगर आपको इतिहास बताऊँ तो ये मुगल साम्राज्य का आखिरी टॉम हुआ करता था। ये मुगल साम्राज्य का आखिरी टॉम है। जब मुगल साम्राज्य एंड पड़ता, जब ख़त्म होने वाला था, तो ये उनका आखिरी टॉम्ब है। इससे पहले भी और भी टॉम्ब है दिल्ली में, जैसे कि हुमायूं का टॉम्ब, और भी टॉम्ब है, लेकिन ये सबसे लास्ट टॉम्ब है सफदरजंग का टॉम्ब। सो गाइज, अब मैं आपको इसके पास भी ले जाऊंगा। अभी हम इसके दूर खड़े हैं थोड़ा, अब मैं इसके पास भी जाने वाला हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, आप देख सकते हो यहां पे पानी के फवारे हैं, और ये अपना सफदरजंग टॉम है, और ये पानी के फवारे देखो गाइज, कितने अच्छे लग रहे हैं फवारे। और यहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते हो नारियल के पेड़ भी लगे पड़े हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं लग रही, और मोन्यूमेंट्स में जाओगे तो भीड़ होगी। कुतुब मीनार पे जाओगे तो, मैं कुतुब मीनार की जब मैं वीडियो बनाने गया था तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार में गया था, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर इतने लोग दिखेंगे नहीं। मतलब यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए, आप दोस्तों के साथ आ सकते हो वक्त बिताने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत एकदम शांति है यहाँ पर। गाइज, यहाँ के पानी में एकदम काई लगी पड़ी है, इतनी ज़्यादा काई है गाइज, आप देख सकते हो हरा हरा सा एकदम काई लगी पड़ी है। और फवारा गिरता जा रहा है, काई लगी पड़ी है यहाँ पर। बस थोड़ा सा साफ करें तो आप यहाँ और भी अच्छा लगेगा, यहाँ पर इतना साफ है नहीं, काइयाँ जमी पड़ी हैं। अभी मैं इसके ऊपर भी जाने वाला हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं पास में ही, सीढ़ियाँ हैं ये भी सीढ़ियाँ, अभी सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। सो गाइस, हम ऊपर जा रहे हैं। इतना बड़ा सा गेट है। सो गाइस, हम ऊपर पहुंच चुके हैं टॉम के एकदम। हम आ चुके हैं ये टॉम, ज़्यादातर लोग यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए आते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आते हैं, मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। घूमने भी आते हैं हम तो, मैं तो व्लॉगिंग करने आया हूँ, मैं और मेरा दोस्त तो व्लॉगिंग करने आया, लेकिन यहाँ पे बंदे फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं और अपने फैमिली के साथ भी आते हैं यहाँ पे। तो गाइस, ये एकदम ताजमहल की तरह दिखता है, लेकिन ताजमहल सफ़ेद है, ये थोड़ा हल्के लाल रंग में है, इसे थोड़ा हल्के लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है।
सो गाइस इसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर के दर्शन कराता हूँ। मैंने बाहर के दर्शन तो आपको करा दिया, मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सफदरजंग की कब्र रखी हुई है, मैं पास ले जा रहा हूँ इसके। यहाँ पे सफदरजंग महाराज की कब्र रखी हुई है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो। आप देख सकते हो और यहाँ पे चार दरवाजे दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। हम इस दरवाजे से निकल रहे हैं, यहाँ पे भी रास्ता दे रखा है, यहाँ पे भी रास्ता दे रखा है और ये दरवाजा दे रखा है, खुला नहीं है ये दरवाजा, बंद पड़ा रहता है काफी टाइम से, बंद पड़ा हुआ है दरवाजा ये। और ये ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये लाइटें लगा रखी है, रात को लाइटें जलती है, रात को तो ये और भी अच्छा लगता है। रात को तो पूछो मत कितना बढ़िया लगेगा अगर आप रात को आओगे। मैं रात को नहीं आऊँ, मैं तो दोपहर को आया हूँ, लेकिन रात को तो और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम जाएंगे, अभी फ़ोटो शूट भी कराएंगे, थंबनेल के लिए भी मैं भी फ़ोटो शूट कराऊँगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और भाई को भी हमारे खूब मज़ा आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब गर्मियों में मत आना, आप सर्दियों में आना, सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में यहाँ पे कुछ खास आपको मज़ा आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्दी का टाइम आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो धूप भी हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे खड़े इधर को छाया हो रहा है, कहीं भी उठो बैठो आराम से, आराम से उठो बैठो कुछ भी करो आराम से, बहुत ही अच्छी जगह है आपकी टाइम पास करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, किसी के साथ भी आओ यहाँ पे, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है ये भी, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स में आता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सफदरजंग तो हम कहाँ पर है, क्योंकि मेन चीज़ तो कुतुब मीनार है, लाल किला होगा, ये तो मेन चीज़ है, लेकिन मेन मोन्यूमेंट्स है, लेकिन ये भी एक मोन्यूमेंट्स में भी आता है, ये भी मोन्यूमेंट्स में भी आता है, सफदरजंग की टॉम भी मोन्यूमेंट्स ही है, काफ़ी अच्छा मोन्यूमेंट्स है। और फिर अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे रहे हुए। सो गाइस मैं नीचे आ रहा हूँ सीढ़ियों से, आजा हम सब अब घर निकलने वाले हैं, अब बस वीडियो को हम डी एंड करने वाले हैं, अब बहुत लंबी वीडियो बना ली मैंने भी और बहुत मज़ा भी आया। आपको भी मज़ा आया क्या, आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत बढ़िया है इधर, आप भी आना गाइस फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ कभी भी आ जाना, अकेले मत आना, अकेले आओगे तो आप बोर हो जाओगे यहाँ पे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आना प्लीज़ गाइस। यहाँ पे पहले पानी था लेकिन अब पानी नहीं है, यहाँ पे फाउंटेन है, आप देख सकते हो कि फाउंटेन खड़ा कर रखा है, जैसा जहाँ से फाउंटेन से पानी निकलता है, बट यहाँ पे पानी है नहीं, बिल्कुल सूख गया है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन ये दरवाजे अभी बंद पड़े हुए हैं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाजे बने पड़े हैं, ये देख सकते हो दरवाजा, यहाँ पे दरवाजा, वहाँ पे दरवाजा। तो गाइस इसी के साथ साथ वीडियो का होता है डी एंड, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो प्लीज़। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी दूर दूर आके कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ इतना तो बनता ही है, कर देना सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़। और इसके साथ साथ चलता हूँ, इसी के साथ साथ मैं चलता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।